सवाल नंबर एक, सोने से पहले टहलना जरूरी क्यों माना जाता है? सवाल नंबर दो, बवासीर होने पर क्या खाना खतरनाक होता है? सवाल नंबर तीन, गर्मियों में अंडे खाने के क्या नुकसान हो सकता है? सवाल नंबर चार, कच्चा दूध पीने से शरीर पर क्या असर होता है? सवाल नंबर पाँच, सुबह खाली पेट क्या पीने से वजन तेज़ी से घटता है? और सवाल नंबर छः, पूली खाने से शरीर को क्या नुकसान हो सकते हैं? सवाल नंबर एक, सोने से पहले टहलना क्यों जरूरी माना जाता है? दरअसल भोजन के बाद टहलने से हमारे शरीर का हर अंग और मांसपेशियां ठीक से काम करती हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरीके से काम करता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों को भी खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलने की सलाह दी जाती है। इससे ब्लड शुगर कम होता है। खाना खाने के बाद रोजाना आपको कम से कम 15 से 20 मिनट टहलना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको भोजन करने के 1 घंटे के अंदर ही टहलना है। दरअसल रात के खाने के बाद टहलने से हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। इससे सूजन कम होती है, कब्ज की संभावना कम होती है और पेट से संबंधित किसी भी अन्य समस्या से आराम मिलता है। इसके साथ ही खाना खाने के बाद अगर आप 15 से 20 मिनट तक टहल लेते हैं तो आप मोटापे के शिकार नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पैदल चलना मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। हम आपको बता दें कि वजन घटाने के लिए आपका मेटाबॉलिज्म सही होना चाहिए। इसके साथ ही रात को खाना खाने के बाद चलना भी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि यह आपके इम्यून सिस्टम से टॉक्सिन को बाहर निकालता है। पैदल चलना हमारे आंतरिक अंगों के लिए बेहतर तरीके से काम करता है। हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि खाना खाने के कुछ समय बाद आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आप रात को खाने के बाद टहलने जाते हैं तो इससे ब्लड शुगर का लेवल नियंत्रित रहता है। इससे हाइपरग्लाइसीमिया का खतरा कम हो जाता है। खाना खाने के बाद पैदल चलने से यह आपके शरीर में एंडोर्फिन को मुक्त करके तनाव को कम करता है, जिसके बाद आप बेहतर महसूस कर पाते हैं। सवाल नंबर दो, कच्चा दूध पीने से शरीर पर क्या असर होता है? दरअसल दूध को कंप्लीट फूड माना जाता है, क्योंकि इसमें तकरीबन सभी प्रकार के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट अच्छी सेहत के लिए इसके सेवन की सलाह देते हैं। दूध का इस्तेमाल कई तरीके से किया जाता है। सच्चाई यह है कि कच्चा दूध पीने से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक कच्चे दूध में कई हानिकारक बैक्टीरिया हो सकते हैं। कच्चा दूध पीने से किसी भी इंसान को फूड पॉइजनिंग की शिकायत भी हो सकती है। कच्चे दूध में मौजूद बैक्टीरिया हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे डायरिया, गठिया और डिहाइड्रेशन जैसी समस्या पैदा हो सकती है। इसके सेवन से बॉडी में एसिड लेवल भी बढ़ जाता है, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके साथ ही कच्चा दूध पीना इसलिए भी हानिकारक है, क्योंकि जब जानवर का दूध निकाला जाता है तो थन दूषित हो सकता है। इसके अलावा अगर इसके लिए हाथों और साफ बर्तन का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो गंदगी दूध में आ सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम दूध को उबालकर ही पिए, जिससे बैक्टीरिया मर जाए। सवाल नंबर तीन, बवासीर होने पर क्या खाना खतरनाक होता है? दरअसल तेलीय और मसालेदार चीज़ों में अधिक मात्रा में फैट पाया जाता है, जो बवासीर की स्थिति को गंभीर बना सकता है। अगर आप बवासीर से पीड़ित हैं तो आपको फ्रेंच फ्राइज, तले हुए मोमोज, समोसा, कचौरी और फास्ट फूड आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तेल और मसाले से भरपूर चीज़ें पाचन तंत्र को कमज़ोर बनाती है, जिससे कब्ज की समस्या पैदा होती है। इसके साथ ही सूजन का खतरा भी बढ़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप तेलीय और मसालेदार चीज़ों से खुद को दूर रखें। इसके अलावा सफ़ेद ब्रेड को हजम करने में काफ़ी परेशानी होती है, साथ ही इसका सेवन करने से कब्ज की संभावना बढ़ जाती है, जो बवासीर के लक्षणों को बदतर बनाने का काम करता है। अगर आप नाश्ते में सफ़ेद ब्रेड खाते हैं तो आपको इसका सेवन तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही चाय और कॉफ़ी में कैफीन मौजूद होता है, जो बवासीर की स्थिति को बिगाड़ने का काम भी करता है। चाय और कॉफ़ी का सेवन करने से शरीर में पानी की कमी होती है, जिसके कारण मल कठोर हो जाता है। नतीजतन मल त्याग के दौरान दर्द और रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बवासीर में चाय व कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही सिगरेट और गुटखा का सेवन भी बवासीर की स्थिति को बिगाड़ सकता है। अगर आप इसका सेवन करना चाहता है तो आपको तुरंत इसका सेवन बंद कर देना चाहिए। सवाल नंबर चार, गर्मियों में अंडे खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं? जैसे गर्मियों में अंडा काफ़ी ज़्यादा खाने से फूड पॉइजनिंग का डर रहता है, इसलिए कम अंडे खाएं। इससे गर्मियों में आपको उल्टी और दस्त जैसी परेशानी हो सकती है। गर्मियों में ज़्यादा मात्रा में अंडे खाने से हाई ब्लड प्रेशर और हृदय से जुड़ी परेशानी हो सकती है। अंडे में काफ़ी ज़्यादा कैलोरी होती है, ऐसे में अगर आप अधिक मात्रा में अंडे खाते हैं तो इससे आपके शरीर का वजन बढ़ सकता है। गर्मियों में अधिक मात्रा में अंडे खाने से आपकी किडनी प्रभावित हो सकती है। अधिक अंडे खाने से डायबिटीज़ का खतरा रहता है। दरअसल अंडे में कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें शरीर में फैट की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे में अंडे का सेवन करने से डायबिटीज़ का खतरा रहता है।
अधिक मात्रा में अंडे खाने से हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा भी रहता है। खास तौर पर अंडे का पीला हिस्सा कोलेस्ट्रॉल की परेशानी बढ़ा देता है, इसलिए पूरे दिन में अधिक से अधिक 2 अंडे का सेवन करें। सवाल नंबर 5, सुबह खाली पेट क्या पीने से वजन तेजी से घटता है? दरअसल वजन घटाने के लिए जीरा पानी एक बेहतरीन उपाय है। जीरा वाटर मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। इसके साथ ही इससे पाचन शक्ति भी मजबूत होती है। यह वजन कम करने के लिए एक बेहतरीन ड्रिंक है। इसके लिए आप रात में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा भिगो कर रख दें। इसके बाद सुबह खाली पेट इस पानी को पी लें। इसके साथ ही धनिए के बीज कई तरह के गुणों से भरपूर होते हैं। वजन घटाने में धनिए का पानी मदद करता है। इतना ही नहीं, धनिए का पानी पीने से पाचन भी सही रहता है। इस पानी को पीने से बॉडी डिटॉक्स होती है। इसके लिए आप रात को 1 गिलास पानी में धनिए के बीज डाल दें। इसके बाद सुबह खाली पेट इस पानी को छान कर पी लें। कुछ हफ्तों में आपका वजन धीरे धीरे घटने लगेगा। इसके अलावा एलोवेरा और आंवला जूस कई बीमारियों को दूर करता है। यह बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ ही कम करने में भी सहायक होता है। अगर आप वजन कम करना चाहता है तो आप रोज़ सुबह खाली पेट 1 गिलास में 1 चम्मच जूस और 1 चम्मच आंवला जूस मिलाकर पी लें। सवाल नंबर 6, मूली खाने से शरीर को क्या नुकसान हो सकता है? दरअसल जो लोग अधिक मूली खाते हैं उनके शरीर में पानी की कमी हो सकती है। मूली में मूत्रवर्धक गुण होते हैं, जिससे यूरिन ज़्यादा बनती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को कई कई बार यूरिन पास करनी पड़ती है, जो कि शरीर में पानी की कमी की वजह बन सकती है और इससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसलिए गर्मियों में अधिक मूली के सेवन से बचें। इसके साथ ही जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल डाउन रहता है वो भी मूली के अधिक सेवन से बचें। दरअसल मूली के ज़्यादा सेवन से हाइपोग्लाइसेमिया की दिक्कत भी हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को पहले से ही लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो उनको मूली के ज़्यादा सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि इसके सेवन से ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, जो शरीर के लिए कई नुकसान पहुंचाता है। अगर आपको पित्त की पथरी की दिक्कत है तो मूली का सेवन न करें। गर्भवती महिलाओं को भी इस सब्जी को खाने से बचना चाहिए।